हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर स्पेशल सेशन की, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रेलवे के बेसिस पे करंट अफेयर्स को। तो एक बार से सेशन लाइव हो जाए, जस्ट लेट मी नो, एक बार से पिन कर दीजिएगा, यस मैम क्लास लाइव हो चुका है, कूट दिए जाओगे, एजुकेटर इज रनिंग लेट। हाँ चलो, अच्छा तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। और हाँ, उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग यहाँ पे करेंट अफेयर्स को रिवाइज करके आए होंगे। रीजन बीइंग, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज हमारा दोपहर में कौन सा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कृष्णा बुलबुल, अनुष्का प्रधान, काना, आशीष, सी आर, तनु, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ भाई, पहला काम क्या, सेशन के लिंक को एक बार से शेयर मार देना और जस्ट डू लाइक द सेशन। केडी, रिंकी, रब, रोहित, ये जो तुमने बेटा इतना बड़ा सा मैसेज लिख के गुड आफ्टरनून बोले, छोटा सा भी लिख देते तब भी समझ में आ जाता कि हाँ इट्स अ गुड आफ्टरनून। चलिए, अच्छा करेंगे यहाँ पे शुरुआत। लेकिन इसके अलावा आपको ये बता दें कि आज का जो पर्टिकुलर सेशन है, ये क्लास आपका अगले दो फ्राइडे को भी चलेगा, यानी कि जो फेज 7 आपका होना है रेलवे का, उसको कंडक्ट किया जाएगा जुलाई के लास्ट वीक में। तो तब तक आपका हर फ्राइडे को दोपहर में 2 बजे 3 क्लासेस रहेंगे। आज है पार्ट 1, नेक्स्ट फ्राइडे पार्ट 2 एंड नेक्स्ट फ्राइडे पार्ट 3 रहेगा आपका 2020 से लेके 2021 तक के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन। ठीक है, समझ गए हो। हिमांशु, राइट टू लाइफ, सुरभि वर्मा, बेटा राइट टू लाइफ आर्टिकल जो है ना, वो हमेशा वैलिड होता है, हमेशा वैलिड होता है, बट ये स्पेशल राइट्स है ना, स्पेशल पावर, तो यहाँ पे आपके पास में ये आर्टिकल भी चला जाता है। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो हमेशा ये वाला आर्टिकल आपको मिलेगा। और हाँ, डेली बेसिस पे अपने लोगों का करंट अफेयर्स तो सुबह 7 बजे होते ही, कहाँ, इसी पर्टिकुलर चैनल पे। ऑल सेट, एक बार से थम अप करो, क्लास शुरू करें फिर। ऑल सेट, सब तैयार? तबरेज, अनु, प्रिया, आयुषी, उमा, विशाखा, सिली, केपी, प्रधान, सोनी, विशाल, विकास, रौनक, ओ ओ ओ रौनक इज इतना क्लास। चले फिर आगाज किया जाए तो चलिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर क्लास में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हो जाता है थोड़ा, आप समझ सकते हैं ना, दोपहर में खाना खाने का समय होता है, तो इट हैपेंस। चलिए, अच्छा तो करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की शुरुआत और देखते हैं आपके आज पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस को रखा गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन रेलवे ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल डेवलप किया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर इसको डेवलप किया गया है ना। अभी रुको, हमको कटप्पा के पास पहुंचाते हैं। गुड आफ्टरनून गाइज। बेटा करंट अफेयर सारे एग्जाम्स के लिए होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी मैंने लिख दिया है रेलवे, दैट डजंट मीन कि वो एसएससी में नहीं आएगा, समझे, वो हर एक एग्जाम के लिए होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा के अंदर इसको डेवलप किया गया है। अब हरियाणा में भी कौन सी जगह पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि अरावली रेंज जहां पर आपको मिलती है, ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कुछ एरियाज में आपको मिलती है, और उसी के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो इंडियन रेलवे के द्वारा इसको टनल को बनाया जा रहा है। जब हम टनल की बात करेंगे तो टनल से आपको याद आना चाहिए क्या, रोहतांग टनल, जिसका नया नाम क्या है, अटल टनल। इसका डिस्टेंस कितना है, 9.02 किलोमीटर। अगला लिखा है हरियाणा, हरियाणा से हमें क्या याद आना है भाई, फोर्थ खेलो इंडिया जो गेम्स हैं, इसका आयोजन कहाँ पर होना है, ऑब्वियस सी बात है हरियाणा और दिल्ली, इन दोनों के अंदर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इंडियन रेलवेज विल RTFID, ये क्या होता है, ये होता है आपका फास्टैग, जैसे होता है ना फास्टैग में क्या होता है, वो चिप लगती है आपके गाड़ी का आगे का जो शीशा होता है उसके साइड में, देखा है ना, उसी तरीके से ये जो टैग है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रेन्स के लिए या फिर रेलवे के लए कब से शुरू होगा, इसका आंसर बताओ। सुनीत शर्मा, टोल फ्री नंबर 139, एग्जैक्टली करेक्ट, इसका आंसर बताओ। द आर्ट लवर, कौन सा डाउट है बेटा तुमको इस क्वेश्चन पे है, इसका आंसर क्या है, 2022 तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। वैसे अगर आप देखोगे तो जो टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट होता है वो इसी के ऊपर काम करता है, और ये जो आपके जैसे कि फास्टैग है, इसको कब से लागू किया गया, तो इन सब के बारे में एक बारी से देख लेना जरूरी है। ठीक है, अगला बताइए, ऑन विच डे रेलवे ऑब्जर्व क्लीनिनेस वीक, यानी कि रेलवे के द्वारा जो क्लीनिनेस वीक सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आयोजन कब से कब तक किया जाता है, आंसर करो। टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, सही जा रहे हो बेटा, इसका आंसर बताओ ना। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th ऑफ अगस्त से लेके 15th ऑफ अगस्त तक ही सेलिब्रेट किया जाता है।
वैसे तो अगर आप देखो तो क्लीनेस्ट वीक का कोई लॉजिक नहीं होता, बट रेलवेज यहाँ पे इससे इसको सेलिब्रेट करता है ताकि जितने भी ट्रैक्स हैं या फिर जितने भी रेलवेज हैं उसके अंदर प्रॉपर हाइजीन एंड प्रॉपर सैनिटाइज किया जा सके, इसके लिए क्लीनेस्ट वीक जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगले सवाल पे आओ, बताओ, रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे हैज इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम अभी हाल ही में कौन से वाले जोन के अंदर शुरू किया गया है। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये समझिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि रेलवेज में टोटल कितने जोन है, 18 जोन है, ठीक है। जो लेटेस्ट वाला है उसका सेंटर कहाँ पे है, विजाग के अंदर है, दैट मीन्स विशाखापट्टनम के अंदर है। और आज जो मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, कौन सी, कुछ याद आ रहा है, सुबह 7 बजे कुछ बताया था क्या, अरे भैया एक्वेरियम बनाया गया, दैट टू मूवेबल। तो जब हमसे एक्वेरियम पूछा जाएगा तो वो कहाँ बनाए, बेंगलुरु के अंदर बनाए। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, वेस्टर्न रेलवेज। हाँ करेक्ट है। ज्योत्सना, 5 बजे सुबह करंट अफेयर्स आपका स्टेट का जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनियन बजट के अंदर इस बार रेलवे को कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। पहली चीज तो ये समझिएगा, तुम अन अकेडमी पे वेट कर रहे थे, सॉरी, फ्राइडे आपका जो क्लास है वो यहाँ पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक तो हमारी टीम ऐसी है उनको पता ही नहीं होता कि कब क्लास चल रहा है कब नहीं, बताओ क्लास के समय पे फोन कर रहे होते हैं, खैर इनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, आंसर पे आइए, इसका आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा। पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि इंडियन रेलवेज या फिर रेलवेज का जो बजट है वो यूनियन बजट से पहले अलग आता था, है ना, 1924 की बात है, आज सुबह ही मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, विवेक देवरॉय कमेटी के बाद में, उनके आने के बाद में 2017 से दोनों जो बजट हैं साथ में मर्ज होके आना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बारी कितना अमाउंट एलोकेट किया गया था यूनियन बजट के द्वारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1,10,055 करोड़ रुपीज का अमाउंट एलोकेट किया गया। ये पैसा मिलेगा किसको, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके पास में रेलवे मिनिस्ट्री है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल जी के पास में अमाउंट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20। आपको बताना है कि ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है, आंसर करो। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कहाँ रह जाते हो भाई, क्लास में थोड़ा सा समय पर आया करिए, मालूम है ना कि मेरी क्लास में थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना होता है। इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। और ये ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु ने यहाँ पे 2 बार लगातार इस ट्रॉफी को जीता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख के दिया जाए और पूछा जाए कि ये ट्रॉफी कौन से खेल के साथ में जुड़ी है, तो आंसर क्या करोगे, क्रिकेट इसका आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है आपसे पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल संतोष ट्रॉफी किसके साथ में जुड़ी है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा और भी जितने कप वगैरह हैं, है ना, इनके बारे में पढ़ लेना, हम पढ़ा चुके हैं, नाउ इट्स योर टर्न। अगला देखिए, सेरा वी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, अभी रिसेंटली इस अवार्ड को किसको दिया गया, तमिलनाडु, करेक्ट है। कैप्टन कौन था, दिनेश कार्तिक कैप्टन था। अच्छा देखो, रोहित कुछ न्यूज बता रहा है, सुन लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा एंड विराट कोहली और इंस्टाग्राम रिच लिस्ट, लेकिन ये मत भूलो कि अभी भी लीड जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही कर रहा है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ, प्रतिम आपका टाइम आउट, कैसे कैसे नाम रख लेते हो यार। इसका आंसर बनेगा, नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया था। देखो, जब भी अवार्ड्स की बात आएगी तो सियोल पीस प्राइज जो पिछले साल का दिया गया था वो भी नरेंद्र मोदी जी को मिला था, और उसके बाद में सियोल पीस प्राइज जो अभी 2020 का दिया गया था वो किसको मिला था, वो थॉमस बाच को दिया गया था। थॉमस बाच कौन है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है, कौन, थॉमस बाच, तो इनका नाम भी मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल, नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि इसकी थीम क्या थी और ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया, आंसर बड़ी जल्दी आंसर कर लिया। केम छो गाइस, ओ ओ, कहाँ से नाम लेके आए हो ये। देखो, इसका आंसर क्या है, फ्यूचर ऑफ STI, यानी कि इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन क्या होगा, स्किल्स को कैसे हम बढ़ावा देंगे और कैसे हम यहाँ पे जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। जब हम साइंस डे की बात करते हैं या हम जब टेक्नोलॉजी डे की बात करते हैं, तो आपसे पेपर के अंदर यूजुअली क्या होता है, डेज के डेट पूछ लेते हैं या फिर आपसे थीम पूछ ली जाती है। मुझे बस ये बता दो कि ये जो है ना, ये डे सेलिब्रेट कब होता है। सागर पांडे, आज से मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया, अरे बंगाली बाबू, हो सौरभ घोष, ठीक है। हाँ, थॉमस बाच, बिल्कुल सही बात है, वो जो अवार्ड था वो रिसीव करने नहीं गए थे, करेक्ट है, करेक्ट है, 28th ऑफ फेब को होता है, सोच लो। अगला क्वेश्चन बताइए,
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के रूप में अभी हाल ही में किसको दोबारा से इलेक्ट किया गया है? तो देखो इसका बहुत ही इजी सा आंसर है, डिप्टी सीएम कहाँ हरियाणा के अंदर जो हैं वो कौन है, वो है दुष्यंत चौटाला जी, और इन्हीं को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है हरियाणा के सीएम कौन है तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। एक चीज और, अगर आपसे ये कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, टेबल टेनिस हो, टेनिस हो, तो इन सब में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो है डेविस कप के बारे में, कि डेविस कप जो है वो कौन से वाले स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस के साथ में इसका नाम जुड़ा हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, 28th of February को होता है, करेक्ट है। अच्छा अगला सवाल बताइए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या है, अजय माथुर जी के बारे में, ये कौन है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके जो हेड हैं वो कौन है, वो हो जाएंगे अजय माथुर जी। अगला जो पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा वो पॉइंट क्या निकलेगा भाई, यहाँ पे एक नाम आपको नजर आ रहा है और ये नाम क्या है, यही तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सारा। क्या हो गई, ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही हो सारा तुम, क्या ये जो तुम लोगों ने सीखा है ना, ये से गोल 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 घूमना, एक तो ये समझ में आज तक मुझे नहीं आया ये क्यों तुम लोग ऐसे करते हो, और एक दूसरा, आज सुबह से तुम लोगों ने इसका यूज नहीं किया है ना, तो आई थॉट कि मैं इसको लिख दूं, क्या मतलब चल क्या रहा है भाई, हैं? चलो ये तो हो गया इसके बारे में। अब आपको क्या ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो, आपको मालूम होना चाहिए ये आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल नंबर आपसे हमेशा पूछा जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए, महानदी गोदावरी जो ये दो रिवर्स हैं इनका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो टास्क फोर्स है उसको हेड कौन कर रहा है? देखो पहला पॉइंट तो क्या होगा, केन और बेतवा जो है इसका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हमारे देश का सबसे पहला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसको नेहरू जी के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, बट अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। कौन कौन से स्टेट के बीच में, एमपी एंड यूपी, बट जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे महानदी और गोदावरी इसको हेड कर रहे हैं श्री राम वेदायर। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कहा जाता है केजी बेसिन, केजी बेसिन का मतलब क्या है, कृष्णा और गोदावरी बेसिन हो जाएगा, और इसको यहाँ पे डेवलप कौन कर रहा है, रिलायंस के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, तो दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मिस दीपांका। अच्छा ऐसा होता है, मुझे तो नहीं पता था यार। चलो नेक्स्ट बताओ, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंडिया की सबसे पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। जल्दी जल्दी आंसर करते चलो, जय श्री राम चालू है तुम्हारा। हाँ मैम मेरा टाइम आउट हो गया था, ओके जय श्री, कोई बात नहीं बच्चा, हो जाता है, इट हैपेंस, जानते हो उस चैनल का। तो इसका आंसर बनेगा केरला। अब यहीं पर सुनो मलाइका, आज लेट हो गए, कोई बात नहीं, सुनो केरला जब हम चलेंगे तो केरला के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं। पहली तो जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, देखो SDG इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है, इन सारे इंडेक्सेस के अंदर केरला इज ऑन द टॉप, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर बनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर विमेंस सेंटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। तीसरा पॉइंट, स्वामी विवेकानंद जी की जो एक मूर्ति है अभी हाल ही में आपने देखा हो तो JNU के अंदर भी इस्टैब्लिश करी गई थी, बट यहाँ पे भी इसको इस्टैब्लिश किया गया था। और चौथा पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, और ये कौन बताएगा, स्मार्ट किचन है, ये कौन बताएगा, हम ही को सारी बातें बतानी पड़ेंगी, स्मार्ट किचन यहाँ का है, ठीक है। चलिए अच्छा मैं लीच नहीं होता, अगला क्वेश्चन बताओ, कौन सी ऐसी कंट्री है जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रही इंडिया की 2020 में? अभी कहेंगे मैम सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है, हाँ बेल ऑफ फेथ, बिल्कुल सही आशीष अरोड़ा, एग्जैक्टली बेल ऑफ फेथ भी यहीं का है, करेक्ट है। मरिन मोए मोंजल, यार मैं सोच रही हूँ एक दिन वेस्ट बंगाल आ जाऊँ, बड़े टफ टफ नाम है यार तुम लोगों के, बड़ा सोचना पड़ता है। संजीत करेक्ट है, देखो इसका आंसर क्या बनेगा, चाइना इज द राइट आंसर। वो वही वाली बात है, किसी भी चीज़ को आप कितना भी इग्नोर क्यों ना कर लो, लेकिन जब पूरी कायनात उस चीज़ को तुमसे मिलाने में लग जाती है तो आप बच नहीं सकते हैं, है ना। तो इंडिया और चाइना का भी कुछ ऐसे ही है, हम लोगों ने कितना ज़्यादा बायकॉट किया, हम ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे, वो नहीं यूज़ करेंगे, ये वो फलाण वहाँ का चालू रहा, लेकिन उसके बाद भी इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन निकला, दैट इज वन एंड द ओनली चाइना, ठीक है। चलो अच्छा अगला बताओ, इरकली हैज बिकेम द फर्स्ट, या फिर कह लो
न्यू पीएम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट किया गया था. आंसर करके बताओ. ट्रांसजेंडर पार्क भी यहीं पे मिलेगा. करेक्ट है. खुशी, एलन मस्क, विराट कोहली, विभूति. करेक्ट. चाइना, गोल हो अंकल का चाइना. देखिए इसका आंसर क्या है, जॉर्जिया इसका राइट आंसर बनेगा. अब जब हम जॉर्जिया चलेंगे तो जॉर्जिया आपको मालूम होना चाहिए कि मैप में कहाँ पे इसकी लोकेशन आएगी. मैप में ये आपको यूरोप के अंदर मिलेगा. और आज सुबह ही करेंट अफेयर्स में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन से टोटल कितनी कंट्रीज, 9 कंट्रीज जिन्होंने क्या किया है, इंडिया को ग्रीन पासपोर्ट प्रोवाइड करा दिया है. तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अजरबैजान. कैपिटल क्या हो जाएगी, बाकू इसकी कैपिटल है. और यहाँ पे नैम की बैठक चलेगी, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की बैठक चलेगी. कब तक के लिए यहाँ पे इनके पास में क्या स्टेटस है, यानी कि इसको हेड करने का राइट है, तो 2022 तक इसकी बैठक हर साल यहीं पर कंडक्ट करी जाएगी. अगला सवाल बताइए, नेम द इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जो कि लीड कर रहे हैं नासा का मार्स मिशन 2020. आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया. तिब्लिसी जो है वो बुक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है. अंकिता साहू बहुत बढ़िया. दिस इज अ थिंग. यही चीज़ें आपको करनी है. आपको सुबह 7 बजे क्लास में जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज़ आपके लिए डिटेल में हो. लेकिन जब हम उसको रिवाइज कराने जाते हैं तो मेरी बस यही दिली तमन्ना होती है कि भैया आंसर आना चाहिए, है ना. और हाँ, थैंक यू कहना. सेशन को लाइक भी करने की होती है और शेयर भी करने की होती है. ये मेरे को बोलना पड़ेगा. इसका आंसर बताओ क्या होगा. ओके स्वाति मोहन, सही जा रहे हो यार. सुनो अच्छा, मार्स की जब हम बात करेंगे और नासा के मिशन की बात करेंगे तो आपको मालूम है परसिवरेंस होगा. और इसमें से जो हेलीकॉप्टर निकला था उसका नाम क्या था, इंग्यूनिटी. ठीक है. लेकिन चाइना की बात कर लो, अब उनका जोरांग के बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना. चाइना का जो मिशन अभी गया था इसके अंदर से निकला एक रोवर, और रोवर का नाम क्या था, जोरांग उसका नाम था. ठीक है. नेक्स्ट बताओ, फेवरेट क्वेश्चन तुम लोगों का, मेरा नहीं. मोटेरा स्टेडियम, अभी रिसेंटली इसका जो नाम है वो चेंज किया गया है. मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है, ये अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड है. और आप लोगों ने दया बहन का नाम तो सुना ही होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने सुना ही होगा. बेनिफिट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, अटेंडिंग द क्लास एट द लंच टाइम. ये तो होते ही है, ये तो होते ही है. वर्क फ्रॉम होम के प्रॉफिट्स भी हैं लेकिन लॉस भी होते हैं, वेट इंक्रीज हो जाता है, समझा करो बात को. इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा. अमन, 12 को तुम्हारा पेपर है तो पेपर कैसे करूं, काय की टेंशन है. तुमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ के रखी हुई हैं, बस तुमको क्या करना है, अपना फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जाना है, पेपर देख के आना है. टेंशन लेके जाओगे तो कोई फायदा नहीं है. जस्ट बी रिलैक्स, अच्छी तरीके से पेपर देख के आओ, पेपर विल बी गुड. ठीक है. तुम ही होगे, आके बोलोगे मैम पेपर अच्छा हुआ. इसका आंसर क्या होगा, द वन एंड द ओनली क्या, नरेंद्र मोदी जी. और अगर पूछा जाता है गुजरात की स्पोर्ट्स सिटी कौन सी बन गई है, तो अहमदाबाद यहाँ की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में भी जानी जाएगी. लेकिन गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है, गांधीनगर है, उसे अहमदाबाद मार्क करके मत चले आइएगा. अगला सवाल बताइए, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब यार इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे पूछा गया है. अगर ADB बैंक पूछा जाता है तो हेडक्वार्टर कहाँ आएगा इसका, मनीला के अंदर, दैट मीन्स फिलीपींस की कैपिटल. और मनीला या फिलीपींस को इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र कर रहा है. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैंने आपको ADB के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि ADB बहुत सारा लोन प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को. अब इसके हेड कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है, असकाबा अंकल हो जाएंगे. और अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो अशोक लवासा अंकल हो जाएंगे. बट अगर आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्ग चू उन. ऐसे वाले नाम अच्छे लगते हैं ना, वॉन्ग चोंग, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं ये लोग. खैर आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. करेक्ट है, बिल्कुल सही है, वॉन्ग चोंग. ये क्लास रोज नहीं होगी, ये वाली क्लास आपकी हर फ्राइडे को दोपहर में 2 बजे होगी. कब तक होगी, आज पहला फ्राइडे, नेक्स्ट सेकेंड फ्राइडे, उसके बाद में थर्ड, यानी कि 3 हफ्ते लगातार आपकी ये क्लास रहेगी, ताकि जब तक आपका पेपर आएगा आप इसको आराम से रिवाइज कर लोगे. ठीक है. अगला बताओ, जैस्मिन हैरिसन हैज बिकम द यंगेस्ट वुमन टू रो अटलांटिक ओशन. आपको मैंने पढ़ाया था, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं. देखिए अटलांटिक ओशन की जब आप बात करोगे तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक ऐसा ओशन है जिसका शेप कैसा होता है, यहाँ पे एस शेप्ड होता है. कैसा होता है, एस शेप्ड है ये. ठीक है. और जब एस शेप की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है
कि जब भी आपसे कहा जाएगा ओशियंस के बारे में, तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए एस शेप, तो आप एटलांटिक आंसर कर ही लोगे। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा यूके इज द राइट आंसर। एनके सिंह करेक्ट है बच्चा। एसएससी का पेपर क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी का पेपर भी बहुत जल्दी शेड्यूल हो जाएगा। जैसे रेलवे देख रहे हो ना, रेलवे इतनी जल्दी शेड्यूल हो गया, उसी तरीके से आपका वो पेपर भी शेड्यूल हो जाएगा। हैव सम पेशेंस। अगला सवाल, 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो अभी हाल ही में कौन से स्टेट के अंदर कंडक्ट किया गया? तो पहला पॉइंट तो ये है, खजुराहो फेस्टिवल होता कहाँ पर है? तो आंसर तो हो जाएगा एमपी, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन खजुराहो नाम का जो मंदिर बना हुआ है, ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी आता है और ये चंडेलास डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। इम्पॉर्टेंट। यहीं पे आपको सांची स्तूपा भी देखने को मिलता है। दोनों ही आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यहाँ पे जो एक योजना आई थी उसका नाम क्या था? अंकुर योजना। और इसके अंदर अवार्ड देने की बात भी कही गई कि आप पेड़ लगाइए और अवार्ड अपने घर ले जाइए। ठीक है, चैलेंजेस डीप है बच्चा, चैलेंजेस डीप है। चैलेंजेस पॉइंट शब्द का यूज नहीं करोगे, वो आपका पैसिफिक ओशन में। एनडीपीसी का नोटिफिकेशन आया। चलो आगे बढ़ो शशांक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। स्टेट सीएम हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे स्किल यूनिवर्सिटी डेवलप करी जाएगी, वो भी ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में? आंसर बताओ। हाँ धर्मेंद्र, इसको फिलीपींस को ग्रे लिस्ट में डाला गया, बिल्कुल सही बात तुमने बताई है, करेक्ट है। ये तो अभी मैंने पढ़ाया था 2 दिन पहले आपको। हाँ रजत, आशीष, ठीक है, आज बड़े तेजी से आंसर कर रहे हो, क्या बात है, आज सारे क्वेश्चन आते हैं क्या तुम लोगों को? ओके ललिता, करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आसाम इसका करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो लॉजिस्टिक क्या बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, ये लॉजिस्टिक कॉरिडोर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ बनेगा? तो आसाम के अंदर बनेगा। और लॉजिस्टिक पार्क सबसे बड़ा इंडिया का कहाँ पे बनेगा? तो वो गुजरात के अंदर बनेगा। नागालैंड दिख रहा है ना, अफ्सपा लॉ आज सुबह ही पढ़ाया था। अफ्सपा लॉ कितने टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। तो क्या मैम ये जो लॉ है, क्या ये सिर्फ 6 मंथ के लिए इंक्रीज किया जा सकता है? जी हाँ, इसका ये रूल है कि ये जो लॉ होता है ये सिर्फ 6-6 महीने के हिसाब से ही बढ़ाया जाता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ अभी भी इसकी नीड है, तो क्या होगा, फिर से इसको बढ़ा दिया जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि ये जो काम किया जाता है ये होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। किसके अंडर में? होम अफेयर मिनिस्ट्री। अगला सवाल बताइए, होशंगाबाद सिटी जो है इसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कहाँ पर लोकेटेड है, और इसका नया नाम जो है वो क्या है? नर्मदापुरम। आंसर बताओ, नाम से पता चल गया होगा यार। ठीक है गाइस, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो, बताओ आंसर करो इसका। ए फ्री चाइल्ड क्या होता है? ये फ्री चाइल्ड तुमको किसने पढ़ाया? थामा, कौन पढ़ाया तुमको आसाम के अंदर फ्री चाइल्ड? फ्री चाइल्ड का मतलब कहीं बच्चे बट थोड़ी ना रहे, कैसे बोल रहे हो यार? सुनो, वहां पे जो अभी लॉ आया था उस लॉ के हिसाब से ये था कि चाइना के अंदर बोला गया था 3 चाइल्ड पॉलिसी, यूपी ने बोला 2 चाइल्ड पॉलिसी, मिजोरम ने बोला इनफाइनाइट चाइल्ड पॉलिसी। तो आसाम के अंदर अभी इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है, फ्री चाइल्ड पॉलिसी कहीं बोल के मत चले आना, कैसे बोल रहा, मतलब हद ही हो गई है। खैर इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बनेगा एमपी इज द राइट आंसर। नर्मदापुरम लिखा है, उससे वैसे ही पता चल गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट नर्मदा रिवर, है ना। और नर्मदा के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है, वहां से रिवर निकलेगी। और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? वो ईस्ट टू वेस्ट रहेगा। ठीक है, बस बस हंस लिए, आई नो वो 3 लिख रहा होगा लेकिन वो फ्री लिख गया था, आई एग्री, बस बस। चलो नेक्स्ट बताओ, हॉर्नबिल फेस्टिवल, या गलत मत करना, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, तुम्हारी नहीं होगी, मेरी बेइज्जती है अगर इसको गलत बताया तुमने। चलो इसका आंसर करो, इसका आंसर करके बताओ। क्या पूछा जा रहा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जा रहा है। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1st ऑफ दिसंबर से लेकर 10th ऑफ दिसंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1st ऑफ दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसका रीजन है क्योंकि ये नागालैंड का फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन डेट है। तो नागालैंड के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अमोर फाल्कन, तो ये ध्यान रखना अमोर फाल्कन जो है ये बर्ड कहाँ पे आती है? ये भी नागालैंड के अंदर आती है। क्या मुझे आंसर करके बता सकते हो?
क्या मुझे आंसर करके बता सकते हो? अमोर फाल्कन के लिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक अवार्ड दिया गया था किसी एक पर्सन को, बस मुझे उस अवार्ड का नाम जानना है। प्लीज एक बार से आंसर करके बताओ कि अवार्ड किसको मिला था, जल्दी से आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन विच सिटी यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी, ये कहाँ पे अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? गाइज मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आज हम लोगों का पार्ट नंबर 1 है, नेक्स्ट फ्राइडे को सेम टाइम दोपहर में 2 बजे पार्ट नंबर 2 होगा, और नेक्स्ट वीक में थर्ड वीक में आपका दोपहर में 2 बजे पार्ट नंबर 3 रहेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर एक ही है, वो क्या है? दैट इज कोलकाता। कोलकाता के अंदर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि घूमने वूमने जाना हो तो शायद 50-50 रुपए लगेंगे और आप आराम से जाके घूम के आ सकते हैं, है ना? आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने, नेकॉम फॉर्म, ठीक है, बेटले अवार्ड, निकिता बहुत बढ़िया, कौन सा अवार्ड था? बेटले अवार्ड था, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इन विच सिटी इसरो इज गोइंग टू लॉन्च द श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, और ये जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा ये सैटेलाइट्स को किस तरीके से डेवलप करना है उसकी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो इसरो इसको कहाँ पे डेवलप कर रहा है आपको ये आंसर करके बताना है। पहला पॉइंट समझिएगा, इसरो का नाम जब भी आएगा तो क्या याद रखना है? भाई बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसके चेयरपर्सन कौन है? तो के सिवान जी हो जाएंगे। फर्स्ट चेयरपर्सन पूछा जाएगा तो विक्रम साराभाई हो जाएंगे, और विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहाँ पे बना हुआ है तो आंसर क्या होगा? आंसर केरला बनेगा, और इनके ही नाम पे साइंस सेंटर कहाँ है तो वो गुजरात में मिलेगा। आंसर क्या बनेगा इसका? ठीक, हाँ बस 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 इसको तो मतलब सीधे पहुंचाया गया, कोयम्बटूर इज द करेक्ट आंसर, कोयम्बटूर राइट है। नेक्स्ट बताओ, अगला सवाल आपके लिए है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको अभी हाल ही में क्या मिला था भैया? रिपब्लिक डे 2021 की जो परेड हुई थी उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था, ये कौन हो सकता है? तुम खुद बताओ, अगर तुमको नहीं भी पता है ना तो देखो ऐसे एलिमिनेट करोगे। त्रिपुरा हो ही नहीं सकता, आसाम, क्या सोच के आसाम बोलोगे? जब इतने बड़े राज्य का नाम यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है तो किसी और स्टेट के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? यूपी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बनाया जा रहा है इसको यहाँ पे टेबुले में दिखाया गया था, यानी कि इसको वहां पे जो झांकी निकली थी उसमें दिखाया गया था एंड इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द इंडिया अंडर विच इट गिव्स द COVID-19 वैक्सीन टू द नेबर कंट्रीज। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक चीज शुरू करी गई थी, एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसके अंदर भारत के आसपास के जितने भी राज्य हैं भारत ने उनको वैक्सीन देने की सुविधा शुरू करी थी, कुछ याद आ रहा है? 26 मार्च का वो दिन, इधर की तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे, इधर की तरफ कौन थी? शेख हसीना जी थी, और नरेंद्र मोदी जी एक डब्बा लेके गए थे, उस डब्बे में क्या था? वैक्सीन थी यार। तो वो कौन सा वाला मिशन था? चलो याद दिला देते हैं, वैक्सीन मैत्री। क्या नाम था? वैक्सीन मैत्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके नेक्स्ट बताओ, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया था लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा कि इंडिया जो है वो कोविड के फील्ड में कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आंसर बताओ। देखो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक क्लास ले लूंगी इंडेक्सेस के बेसिस पे भी, तो टेंशन मत लेना, सारा का सारा जो हम लोग का पुराना कंटेंट है वो सब हम लोग एक बार से रिवाइज कर लेंगे। इसका आंसर बनेगा 86 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, बाय विच ईयर इंडिया इज टारगेटिंग टू जनरेट 450 GW रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एनर्जी जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, एंड अप नहीं हो सकती। हाँ, ब्राजील ने सस्पेंड कर दिया, बिल्कुल सही तुमने कहा। तो यहाँ पे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये इंडिया कितना प्रोड्यूस करेगा? 450 GW प्रोड्यूस करेगा। नाउ द पॉइंट इज कब तक, है ना, पॉइंट क्या है, कब तक प्रोड्यूस करेगा? तो पहला तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अजय माथुर जी इसके हेड हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में मिलेगा। टोटल 121 कंट्रीज हैं, जो कंट्री अभी हाल ही में जुड़ी है वो है इटली, और इसमें टोटल 91 कंट्रीज हो गई हैं इटली को मिला के जिन्होंने इसको रेक्टिफाई भी कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब सवाल पूछा जाएगा बनाया कब गया? तो 2015 में पेरिस क्लाइमेट जब डील साइन करी गई थी तब इसको बनाया गया था, और वहीं पर ये प्रण लिया गया था कि हम क्या करेंगे, सोलर पावर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2013, बिल्कुल सही, 2030 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है एशिया पैसिफिक पर्सोनाइज्ड हेल्थ इंडेक्स के अंदर जो जारी करी जाती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन के अंदर मिलेगा। सवाल में कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया? संजीत, आम्या, अंजलि, कविता, सोनी, सोनाली,
ओके नंद किशोर गौरव निंजन करेक्ट कोमल किपुर रवि ये विराट कोहली कौन है अपनी क्लास में अनुष्का भाभी कैसी हैं ठीक बा चलो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर बनेगा 10 इज द करेक्ट आंसर संदीप सिंह है चलो चंदन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बताओ पंख अभियान यार ये तो गलत मत करना बहुत इजी सा क्वेश्चन है अभी पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे पंख अभियान को लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च हुआ था किसके लिए गर्ल चाइल्ड के लिए क्या मतलब था इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था कौन सा स्टेट के अंदर स्टेट हो जाएगा एमपी ठीक है इसमें कहा गया था कि जैसे अनीमिया हो जाता है कुछ बच्चों को तो उन सबको क्योर करने के लिए लॉन्च किया गया था कब लॉन्च किया गया था तो देखो दो तारीख है जो आपको याद रखनी है कितनी है 24 और 25th ऑफ जनवरी 24th ऑफ जनवरी की जब आप बात करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाएगा यूपी का फाउंडेशन डे है क्या अगर है तो आंसर करके बताइए और जो 25 लिखा हुआ है ये क्या है दिस इज वोटर्स डे जल्दी से आंसर करके बताओ 24th जो है क्या ये यूपी का फाउंडेशन डे है सौरभ राजवंशी यस आई कैन सी योर कमेंट आंसर करो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैयारी बच्चा जीएस और करेंट अफेयर सेम होता है सबके लिए ठीक है और बाकी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हमको आती नहीं है तो मैं अपना वाला सेक्शन आपको बता सकती हूँ उसके लिए आपको यही पढ़ना है कंटिन्यूसली कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है हाँ जी आंसर बताओ कोमल ने सारी योजनाएं बता दी हैं ओहो ये सही है दिव्या करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है 24th ऑफ जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए हो गर्ल चाइल्ड डे होता है गजब अगला सवाल बताइए 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर आपने अभी देखा होगा कि एक जो कंट्री थी उसको जूरी के रूप में अपॉइंट किया गया था कौन सी वाली वो कंट्री हो जाएगी तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अर्जेंटीना इज द राइट आंसर और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ कहाँ पे था तो ये भी ध्यान रखिएगा गोवा के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि जारी कौन करता है रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे बहुत ज्यादा पूछा गया था तो बी प्रिपेयर ठीक है जर्मन वॉच इसको जारी करता है सवाल में पूछा जा रहा है इंडिया की रैंक क्या थी इंडिया की रैंक आदि स्टडीज ओके इंडिया की रैंक बताओ देखो इंडिया की रैंक हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे कि पासपोर्ट इंडेक्स हो गया 84 हो गई है ना लास्ट टाइम कितनी थी 85 थी इसी तरीके से हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया हर दिन तुमको सुबह 7 बजे हम कम से कम 5 इंडेक्स याद कराते हैं उसके बाद भी अगर गलत करके आओ तो कुछ नहीं हो सकता फिर तो है ना इसका आंसर क्या बनेगा 7 इज द करेक्ट आंसर वेरी नाइस नेक्स्ट बताओ 122 मेंबर्स अभी रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेस के जो हैं वो परेड में शामिल हुए थे हमारे देश के अंदर सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि जब ये लोग परेड में आए थे तो वो कौन सी कंट्री से आए थे जब इंडिया जो है वो गया था कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए स्वर्णिम दिवस पे बांग्लादेश को 26 मार्च को तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के अंदर कौन आएगा बांग्लादेश आएगा तो ऐसा पहली बार हुआ था कि हमारे देश की जो परेड हुई थी उसमें किसी बाहर की कंट्री ने भी क्या किया था पार्टिसिपेट किया था तो इसका आंसर क्या बनेगा बांग्लादेश इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी ढाका करेंसी क्या बनेगी टका इसकी करेंसी बनेगी ठीक है चलो कोई बात नहीं बच्चा लेट हो गया तो कोई बात नहीं बट प्लीज़ याद रखिएगा हर फ्राइडे को आपके 3 फ्राइडे इसी सेम टाइम पे आपका ये 3 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा अगला भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया गया था यूथ के लिए आंसर करो बच्चा अन अकेडमी वाला जो टेस्ट है वो आपका संडे को होगा दोपहर में 12 बजे जिसमें तुम लोग आईपॉड जीत के आओगे इसका आंसर बनेगा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश और कौन सा होगा यूपी हो सकता था देखो यू से ये और यू से ये कहानी खत्म क्या आंसर हो जाएगा यूपी इज द राइट आंसर और ये ध्यान रखिएगा कि यूपी जो है वो पूरे भारत का सबसे पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे आपको टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं कितने 5 छोटी मोटी बात नहीं है चलो अगला बताओ विप्रो ग्रुप बताइए विप्रो ग्रुप जो है इसने अभी बोला है कि वो एक स्टेट के साथ में टाई अप कर रहा है क्यों टाई अप कर रहा है वो टाई अप इसलिए कर रहा है ताकि जो नॉलेज है उसको और भी ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके अब वो स्टेट कौन सा है जल्दी जल्दी आंसर करो बस खत्म होने वाले क्वेश्चन हैं अपने लोगों का वैसे ही जैसे 45 मिनट्स क्लास होता है क्लास उतनी देर का ही रहेगा सिर्फ आंसर बनेगा यहाँ पे क्या एमपी एमपी के सीएम कौन हो जाएंगे शिवराज चौहान जी गवर्नर पूछी जाएंगी तो आनंदीबेन पटेल होंगी और यही अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी की भी क्या है गवर्नर है अगला सवाल बताइए डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज भाई साहब अगर ये गलत कर दो ना तो कुछ नहीं होगा फिर से हमें बताना पड़ेगा और क्या होगा
इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की? देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ में होती है ब्लैक पिच एक्सरसाइज और अभी हाल ही में पासेक्स एक्सरसाइज इनके साथ में कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इंग्लैंड, दैट मीन्स हम यूके की अगर बात कर लें तो अजय वॉरियर और इंद्रधनुष वो जो एक्सरसाइज है इनके साथ में होती है। स्पेन के साथ में हम क्यों कोई एक्सरसाइज करेंगे, हमारे किसी काम की एक्सरसाइज नहीं होगी यहाँ पर। तो अब इसका आंसर करो बेटा, मांगे की है ना, उधारी की है ना, तो कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती, इट हैपेंस। चलो इसका आंसर क्या बनेगा, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कहां पर हुई थी? जोधपुर के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। कहां पे? जोधपुर। तुम मेरे नाम पे एयरपोर्ट बनवा दो, है बनवाई दो तुम इस बार। चलो अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अंडमान निकोबार के अंदर इंडिया का जो नेवी है या आर्मी है या फिर एयरफोर्स है, इन तीनों लोगों की मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या था। देखो ये जो एक्सरसाइज है ये तो इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट होती है, तो ये तो बाहर ही निकाल दो, है ना। ये अभी मैंने आपको बता ही दी, कवच एक्सरसाइज बची और एम्फेक्स एक्सरसाइज बची है। इसका आंसर क्या बनेगा? ओके ठीक है, देखो इसका आंसर क्या बनेगा, एम्फेक्स एक्सरसाइज थी जो अभी रिसेंटली अंडमान निकोबार के अंदर कंडक्ट करी गई थी। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही है, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आज सुबह ही मैंने आपको बताया था, UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या टूरिज्म डे। लेकिन सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, इतनी देर में गुड आफ्टरनून क्यों हो रहा है, सवाल में आपसे नेशनल टूरिज्म पूछा जा रहा है, तो दो तारीखें जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल पूछा जाएगा तो 25 तारीख हो गई, वर्ल्ड पूछा जाएगा तो 27 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो अगला सवाल बताओ, वैग्रियो ब्रिज ये जो है ना, इसको आर्च ब्रिज कहते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि कहाँ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज होगा। अगर आपसे सिर्फ आर्च ब्रिज लिखकर आता है तो ये चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेकिन अगर आपसे लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज पूछा जाएगा तो आंसर क्या बनेगा बताओ। किसने बोला बेटा एक्सरसाइज का नाम हिंदी में ही होता है? अभी देखो डेजर्ट नाइट, ये हिंदी में नहीं है बेटा, कौन बोला कि हिंदी में होता है? और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हिंदी में क्यों नहीं होता है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अब देखो सूर्य किरण, अब ये तो हिंदी में है ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो इसका आंसर क्या है, मेघालय के अंदर। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और शिलोंग जो है, लॉन्ग तलश्कारा की बात नहीं कर रहे, शिलोंग की बात कर रहे हैं। शिलोंग के लिए ध्यान रखना कि जो स्मार्ट सिटीज हैं उसमें टोटल 105 और बनाई जाएंगी, तो 100 नंबर की जो स्मार्ट सिटी है वो कौन सी है? शिलोंग है। पहली जो स्मार्ट सिटी है वो है भुवनेश्वर, जिसको बनाया जाना है, मतलब मैं सिर्फ आपको लिस्ट बता रही हूँ। और स्मार्ट सिटी का जो अभी डेटा आया था उसमें आपको अगर ध्यान हो, जो डेटा आपको हजम नहीं हो रहा था वो था कि यूपी नंबर 1 पे था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे सीएम ऑफ उत्तराखंड एक दिन के लिए कौन बनी थी? ये तो यार ऐसे ही बता दोगे, है ना, नींद में भी सवाल आ जाए आंसर तुरंत से आ जाएगा। क्यों? देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि उत्तराखंड के अंदर एक बार फिर से सीएम की जो कुर्सी है वो खतरों में घिर चुकी है। तो पहली चीज तो आप ये बताओ कि यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम पे कौन है, और एक दिन के लिए जो सीएम बनी थी उनका नाम क्या है? सृष्टि गोस्वामी। क्या नाम है? सृष्टि गोस्वामी, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक तुम ना। चलो इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, अगर मैं आपसे सीएम का नाम पूछूं तो सीएम का नाम क्या होगा? करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सृष्टि गोस्वामी, करेक्ट। लेकिन मेरे को नाम तो बताओ, उनका नाम क्या है जो यहाँ के सीएम है प्रेजेंट टाइम पे? स्टिल नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। गोस्वामी के साथ में ही अभी सबके सब चल रहे हैं। चलो ठीक है, वेटिंग फॉर द आंसर, आंसर करो इसका। अगला बार देखो ये जो TSR निकल लिख के निकल देते हो ना, कतई सही नहीं है, कतई सही नहीं है, बता रहे हैं तुमको हम। पिछले वाले का भी शॉर्ट फॉर्म यही था और इस बारे का भी शॉर्ट फॉर्म यही है। चलो अगला सवाल बताइए, Who has been appointed as the India's next ambassador to the ASEAN Secretariat? ASEAN Secretariat के अंदर अभी ambassador किसको बनाया गया? तो that is simple answer, जयंत जी को। अच्छा ASEAN आया है, ASEAN से ये ध्यान रखिएगा कि अभी recently जो इसकी meeting हो रही है वो वियतनाम के अंदर होगी, और ASEAN का headquarter कहाँ पे? जकार्ता के अंदर है। ASEAN के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? 10 देश आते हैं। और इसको बनाया कब गया था? 1967 में इसको बनाया गया था। इसका एक और पार्ट है जिसको हम RCEP के नाम से भी जानते हैं, और RCEP के अंदर अब इंडिया मेंबर नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, समझ गए, इसको याद रखिएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ सवाल है, कौन सा ऐसे स्टेट के सीएम है जिन्होंने अभी हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बनेगा, कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर। अब तो सभी आंसर कर लेंगे, नाउ इट्स इजी, है ना। कर्नाटका में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे बेंगलुरु बना हुआ है, चाहे वो कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो जहाँ पे ये अभी बनाया गया, एक्वेरियम बनाया गया है, या फिर 10 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा वाला अगर लिवेबल सिटी पूछी जाएगी तो भी कौन सा है, बेंगलुरु है। तो हर सिचुएशन में कर्नाटका के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना है वो क्या है, बेंगलुरु है। अगला सवाल, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से अभी हाल ही में किसको नवाजा गया है। अगर आपने अवार्ड्स वाला क्लास नहीं देखा है तो आई थिंक मैंने लास्ट मंथ ही क्लास लिया था, एक बार से YouTube पे जाना, लिखना अवार्ड्स बाय कृति मैम, आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी लिस्ट, मैंने वहाँ पे क्लास लिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होगा रवि गायकवाड़ जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि जब नेल्सन मंडेला जी का नाम आएगा तो 18th of July को यहाँ पे क्या मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इनका जो नाम है वो कहाँ से जुड़ा है, साउथ अफ्रीका के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री विकास मिशन कुछ याद है, अभी कहोगे मैम सब एमपी के। देखो सपोज एग्जाम के अंदर अगर आपको याद ना आ रहा हो कि ये स्कीम कहाँ की होगी तो सिंपल आपको ऑप्शन में दिखेगा एमपी, आप आंखें बंद करके एमपी मार्क तो कर देना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गड़बड़ा हो जाती है, और गड़बड़ ना हो इसके लिए ये भी ध्यान रखना कि गुजरात भी पीछे नहीं है। तो ये जो स्कीम है, जो एक विकास मिशन है, ये लॉन्च किया गया कहाँ पे, गुजरात के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है गुजरात के रिस्पेक्ट में तो सवाल आपसे लिथियम यूनिट के बारे में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे लगाई जाएगी हनी टेस्टिंग लैब जो है वो भी यहाँ पे, और रानी की वाव जो है जो कि यूनेस्को के अंदर अभी ऐड करी गई है वो भी आपको कहाँ मिलेगी, वो भी आपको इसी जगह पर मिलेगी, ठीक है। अगला बताओ, ये लो तुम लोग का फेवरेट कमलम याद आया, ये जो कमलम ड्रैगन फ्रूट है अभी इसका नाम चेंज किया गया था, बेचारा बहुत ही मासूम था लेकिन बेचारे का नाम बदल दिया गया। देखो ये दो स्टेट में नहीं बल्कि काफ़ी सारे स्टेट में पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये जो कमलम पाया जाता है अब इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर के देशों में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से स्टेट ने नाम बदला है, कौन से स्टेट ने नाम बदला है, तो इसका आंसर क्या होगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेताजी एक्सप्रेस अभी हाल ही में 23rd of January को क्या हुआ था, एनिवर्सरी थी किसकी, सुभाष चंद्र बोस जी की। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली नेताजी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम बदला गया, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो ट्रेन कौन सी थी जिसका नाम बदला गया, बताओ। विजय रूपानी जी ने चेंज किया था, करेक्ट है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हावड़ा कालका मेल जो है इसका नाम अभी रिसेंटली चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अभी टॉप नंबर पे रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये नीति आयोग जारी करता है और इसके जो सीईओ है वो कौन है, अमिताभ कांत जी है। और लेटेस्ट टाइम पे ये ध्यान रखिएगा कि जो अमिताभ कांत जी हैं इनका जो कार्यकाल है उसको अभी रिसेंटली क्या किया गया, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब इनका कार्यकाल कब तक के लिए हो गया है, 2022 30 जून तक के लिए रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, कर्नाटका नंबर 1 पे रहेगा, करेक्ट है, बहुत सही। नेक्स्ट बताओ, या 3-4 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से इसको भी सॉल्व करो। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में क्या किया है, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू जो है नागपुर के अंदर उसका नाम बदला है। सवाल में पूछा जा रहा है कि नया नाम क्या है, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि नया नाम क्या है, फटाक से आंसर करो इसका। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा बाल ठाकरे जी के नाम पे नाम रखा गया। और सुनो यहाँ पे, अब यहाँ तक आई गए हो महाराष्ट्र के अंदर तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे अभी एक मछली पाई गई थी जिसको ढूंढा था किसने, तेजस ठाकरे ने, और उसका नाम क्या था वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ, जल्दी से आंसर करके बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, ठीक है, बाल ठाकरे जी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लो मतलब अब यही क्वेश्चन और बचा हुआ था, मैं क्या करूं, 2020-2021 के सवाल है तो पूछने पड़ेंगे ना। बताओ कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने, डोनाल्ड ट्रंप जी जब गए उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो रोया वो हमारे क्लास का रोहित था, जो बेचारा सबसे ज़्यादा रोया और अभी भी क्लास में रो रहा था। तो जब डोनाल्ड ट्रंप गए, थोड़ी सी जुल्फे नहीं बनाई आज मैंने इनकी, है ना, रह जाती है ना। तो पूछा जा रहा है कि इनकी जगह पे नए वाले प्रेसिडेंट कौन बने, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बने कौन से नंबर, 46। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट क्या, कमला हैरिस। और यही डेटा है, पता चला डेटा में भी खा जाए। अच्छा अगला बताओ, फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया था, रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट, बताओ
शिष्टूरा, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, भावना कांत को पहली बार यहाँ पे मौका मिला था जब इन्होंने इसके अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, राइट। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है आयशा अजीज के बारे में, तो ये सबसे यंगेस्ट बन गई जिनको कॉमर्शियल लाइसेंस मिला, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। अगर एयर इंडिया की फ्लाइट पूछी जाती है जिसको उड़ाया गया था नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु के अंदर, तो ये किसने उड़ाई थी, जोया अग्रवाल ने। दोनों नाम आपके लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला, घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन, ये कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया, नाम से पता चल रहा है यार, इजी टू रिकॉग्नाइज। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा पंजाब के अंदर, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा अगला बताओ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या है। ये पावर इंडेक्स बहुत ज़्यादा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेलवे ने क्या किया था ना, कुछ ऐसे इंडेक्सेस पूछे थे जो हम लोगों को लगते थे अरे छोड़ो ना नहीं आएगा, तो वो भी पूछ लिए थे, इसलिए आपको ऐसे वाले इंडेक्सेस भी मालूम होने चाहिए। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है बस वो याद रखो, समझ रहे हो, जस्ट रिमेंबर द रैंकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप भूल भी जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बेटा इसका आंसर यूपी नहीं होगा, उसके नाम से पता चल रहा था। अगला सवाल बताइए, विच कंट्री क्लाइंबर हैज सेट अ रिकॉर्ड फॉर द K2, यानी कि जो आपका K2 है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, अब पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी टीम अभी रिसेंटली इसको क्लाइंब करने के लिए गई थी, और ये क्या है, वर्ल्ड का सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन है। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, ये हो जाएगी यहाँ पे, सिर्फ कितना जोड़ दिया, इतना ही तो जोड़े थे, किसने, नेपाल और चाइना ने। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नेपाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये कहाँ पे लगाया जाएगा, ये कहाँ पे लगेगा बताओ, राइट हिमांशु, राइट है, इसका आंसर हो जाएगा ये केरला के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा, लेबर म्यूजियम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेबर म्यूजियम बनाया जाएगा, इंडिया का सबसे पहला फायर पार्क। तो पहले यहीं पे ये ध्यान रखिएगा कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनके लिए जो म्यूजियम बनाया जाएगा वो सबसे पहले इंडिया के अंदर ओडिशा ने अनाउंस किया था, ठीक है, बनेगा तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी, बट सबसे पहला ओडिशा ने अनाउंस किया था। तो अब ये इसका आंसर क्या होगा, फायर पार्क सबसे पहला, तो भी आंसर क्या बनेगा, ओडिशा इज द राइट आंसर। अगला, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ट्रिब्यूट दिया था 51st इंटरनेशनल फिल्म के अंदर। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये ट्रिब्यूट किसको दिया गया, अच्छा दादा साहब फाल्के अवार्ड 51st वाला जो दिया गया वो रजनीकांत जी को दिया गया, और 58th नंबर का जो था वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सत्यजीत रे, और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट है, आखिरी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हॉट एयर बलून, मुझे पता नहीं वैसे ये आखिरी क्वेश्चन है कि नहीं है, सफारी बताइए कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो इसको अभी हाल ही में एमपी के अंदर स्टार्ट किया गया। एयर बलून जो है वो रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर भी स्टार्ट किया गया, और नाइट सफारी जो है वो भी कहाँ पे, एमपी के अंदर स्टार्ट किया गया। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो आपको एमपी के अंदर मिलेंगे, और इंडिया के अंदर अगर टोटल नेशनल पार्क की आप बात करोगे तो भी वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि आसाम में टोटल नेशनल पार्क कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। चलो अच्छा बचा हुआ था सवाल, कोई बात नहीं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, अरे यार सपनों की दुनिया, देखिए इसका आंसर कौन बताएगा, हर्षवर्धन जी ने अनाउंस किया था कि इसकी ओपनिंग करी जाएगी और ये इंडिया का हाईएस्ट होगा, तो इसका कहाँ पे आगाज किया जाएगा, द वन एंड द ओनली लद्दाख के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। लद्दाख की दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है लेह, दूसरी कौन सी है, कारगिल है, और यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हेमीज नेशनल पार्क है जिसके ऊपर सवाल बनना लाजमी है, ठीक है याद रखना। अगला, नेशनल तानसेन सम्मान फॉर 2020 ये किसको दिया गया, ले, खुशी देखो ले लिखने पे कितना अच्छा लगता है ना, ले, इसका आंसर बनेगा सतीश व्यास जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड कौन सा स्टेट देता है, तो ये अवार्ड एमपी के द्वारा दिया जाता है। आज तुमको बेटा इतना करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे ना, तुम भी कहोगे मैम प्लीज आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना। अगला सवाल, गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन इसका सेंटर कहाँ पे, जिनेवा के अंदर है, एक्चुअली WHO के साथ में मिलकर काम करता है। इसके अभी हाल ही में बोर्ड मेंबर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया, आंसर नहीं, मेरी तो ड्रीम सिटी है ही, बट तुम लोगों की भी ड्रीम सिटी होगी यार, हर कोई चाहता है लद्दाख में घूमना, बस चाहते ही है। इसका आंसर क्या बनेगा, हर्षवर्धन जी इज द राइट आंसर। WHO के अंदर आपको मालूम ही है कि इनका जो नाम है वो कई बार आपने देखा होगा, और ये हमारे देश के अंदर क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री को संभालते हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस को भी संभालते हैं। अगला सवाल,
21 ईयर ओल्ड यंगेस्ट मेयर केरला के अंदर, नाम बताओ. बहुत आसान सवाल है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, आंसर करो. क्या बताऊं मैं, क्या बताना है मयंक, आप बताओ ना मैम, प्लीज बताओ क्या बताना क्या है भाई, मेरे को ये तो बताओ. इसका आंसर हो जाएगा आर्या को अभी रिसेंटली यहाँ पे यंगेस्ट मेयर के रूप में अपॉइंट किया गया था. अगला, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का खिताब जो है दुबई ग्लोब सॉसर अवार्ड किसको दिया गया, आंसर बताओ. फर्स्ट स्टेट गावी, बिल्कुल सही है. गावी के अंदर फर्स्ट स्टेट जो है वो पंजाब है, इसके अंदर जुड़ने वाली, बिल्कुल सही. आंसर क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ध्यान रखना कि भैया इंस्टाग्राम पे सबसे टॉप पे चल रहे हैं इस टाइम पे ये बंदा. चलो अगला बताओ, पीएम मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत करेगी. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली मेट्रो के कौन से वाले हिस्से से, कौन सी वाली लाइन से इसकी शुरुआत हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो अलग अलग लाइन्स होती है ना, पर्पल लाइन होती है, पिंक लाइन होती है, येलो लाइन होती है, वैसे यहाँ पे मजेंटा लाइन जो है वहां से इसकी शुरुआत करेगी. अगला सवाल है आईसीसी T20, कैप्टन ऑफ आईसीसी T20 ओडीआई मेन टीम ऑफ द टिकेट का खिताब किसको दिया गया. ये खिताब आईसीसी के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा. तो इसका आंसर क्या होगा, द वन एंड द ओनली, दैट इज MSD को ये अवार्ड दिया गया, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को ये अवार्ड दिया गया. करेक्ट है. अरे यार बहुत ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं, उसमें से एक हम भी हैं, और आई होप कि आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे. अगला सवाल बताइए, सर गारफील्ड सोबर अवार्ड से अभी रिसेंटली कौन से वाले प्लेयर को सम्मानित किया गया है, ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड इनको दिया गया. इसका आंसर क्या होगा, विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है पार्ट वन, अगले फ्राइडे को हम पढ़ेंगे पार्ट टू, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री. क्लास का समय यही होगा और क्लास आपका 45 मिनट्स के अप्रॉक्स ही रहेगा. तो हाउ वाज द सेशन ये बताइए, और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहना एग्जाम के 2 दिन पहले तक, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको रिवाइज कराई जाती हैं आपके क्लास के अंदर. ठीक है, बाकी आपका पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो. और ये ध्यान रखिएगा कि ये बैच आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, GS मैथ इंग्लिश एंड रीजनिंग को ये कवर करेगा. ठीक है, बाकी आज आपको कुछ शॉर्ट वीडियोज, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी टेलीग्राम पे, चैनल पे, मेन चैनल पे भी, और यहाँ पर भी, जस्ट चेक देम आउट. ओके, और जीत के आना. ठीक है ना, मेरे को तो एक आईपॉड बस दिला देना, आधा आधा कर लेंगे हम लोग, लेकिन हम क्वेश्चन बता नहीं सकते, वरना सच्ची में बता भी देते, क्वेश्चन मैं नहीं बता सकती क्योंकि चीटिंग हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, प्राइस जीत के लेकर आना है. क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, दे आर नॉर्मल टाइप क्वेश्चन. संडे को ये टेस्ट होगा आपका दोपहर में 12 बजे. नए बैच का लिंक और इस टेस्ट का लिंक दोनों आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, चलो अच्छा तो मिलते हैं. बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय कृति पे. तो मिलते हैं आपसे 7 बजे, लेकिन जो इन्फो आपके लिए शेयर होती जाएगी चैनल पे, प्लीज चेक करते जाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, चलो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, बताएंगे. चलो